और हेडलाइंस के बाद अब खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। बात सबसे पहले सरपंचों की करेंगे। हरियाणा में पंचायतों के लिए ऑनलाइन टेंडरिंग पॉलिसी को लेकर सरपंचों की नाराजगी लगातार बरकरार है। इस नाराजगी की एक और तस्वीर आज पंचकुला में देखने को मिली है। चंडीगढ़ पंचकुला में इसे लेकर प्रदर्शन हुआ है। प्रदेश भर से आए सरपंचों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया और चंडीगढ़ की तरफ कूच किया है। सरपंचों ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया था और सामूहिक इस्तीफों का भी ऐलान किया था। सरपंच लगातार प्रदेश में ऑनलाइन टेंडरिंग पॉलिसी को रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर कई बार सरकार से सरपंचों की बातचीत भी हो चुकी है। हालांकि बातचीत हर बार बेनतीजा ही रही है। अभी बीते रोज ही एक बार फिर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के साथ सरपंचों ने बातचीत की थी, लेकिन उस बातचीत में भी किसी तरह की कोई सहमति नहीं बन पाई है। इस मामले में सरपंच सिर्फ पॉलिसी को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, जबकि सरकार के मुताबिक ये पॉलिसी सरपंचों के हित में है और इससे प्रदेश के विकास कार्यों में, पंचायतों के विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी। लेकिन सरपंच इससे सहमत नहीं है और उसी के चलते आज पंचकुला में सरपंचों का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। मशक्कत जो है पुलिस को इन्हें रोकने के लिए की